रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में एक युवक की मौत के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में बात लव जिहाद की सामने आ रही है। खंडवा के हिंदू संगठन इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन के डॉक्टर अनिश अर्जरे ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के सीकर का एक युवक खंडवा जिले के सिंगोट में रहता था और यहाँ काम करता था। उसने एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली। परिवार वाले उस लड़की को अपने साथ ले गए और जब ये युवक अपने ससुराल उस लड़की को लेने पहुंचा तो वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में खंडवा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खंडवा लव जिहाद का केंद्र है। हम लोग बालक बालिकाओं को सभी को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। बाकी आज एक बड़े दुखद हादसा हुआ है। राजस्थान सीकर जी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र, पिता मंगल सैनी है, जिसने कुछ समय पूर्व अन्य धर्म की बालिका से विवाह करा था, साथ में रहते थे। अभी कुछ समय से उस लड़के के ससुराल वाले उस बालिका को अपने घर ले गए, उसकी पत्नी को वापस सौंप नहीं रहे थे। आखिर जब वो परसों उसकी बात हुई फ़ोन पे और वो उसकी पत्नी को लेने के लिए गया उसके ससुराल, तो सामने वाले पक्ष ने उसको इतना मारा कि मार पीट कर उसका हॉस्पिटल खंडवा जिला चिकित्सालय में एडमिट हुआ। जिला चिकित्सालय में 24 घंटे एडमिट रहने के बाद उसकी आज मृत्यु हो गई है। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी उसको मारा है, हमको ऐसा ज्ञात हुआ है कि 8 लोगों ने मिलकर उसको मारा है। सिंगोट की घटना है, थाना पिपलोद की पंजीबद्ध है केस। प्रशासन से निवेदन है कि 24 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें। इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय हैं। समाज की जो सामाजिक बुराई जो लव जिहाद की चल रही है, उसे दूर करने में भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। तो तुरंत उनको ऊपर कठोर से कठोर धाराओं में कार्रवाई करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें, ऐसा हिंदू जागरण मंच का निवेदन है। क्या लगता है साजिश के तहत इसको मारा गया है? कुछ सरासर साजिश दिख रही है। अन्य धर्म की यदि लड़की है, उसकी पत्नी है, पिछले 3 साल से साथ में रह रही है, इतने समय के बाद फिर उसको उसका मर्डर करना, ये सरासर गलत है। और पूरा दूध का दूध पानी का पानी दिख रहा है, इसके अंदर कोई गहन जांच की आवश्यकता भी नहीं है। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर, साथ ही पाए एक विशेष ऑफर, जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल।